ये फिर से चक्कर आके गिर गई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग भी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं महालक्ष्मी टेंपल कोल्हापुर, और आज महालक्ष्मी टेंपल कोल्हापुर को एक्सप्लोर करेंगे। और एक्चुअली प्लान नहीं था, इन दोनों का प्लान बना है पहले से। तो मैं कॉलेज आया और इन्होंने बताया कि जा रहे हैं महालक्ष्मी टेंपल, तो नवरात्रि चल रहा है, तो मैंने सोचा कि हम जाके आते हैं। और तो आज जा रहे हैं हम एसटी बस लेंगे वहाँ से, क्योंकि गाड़ी तो अभी अरेंज नहीं हो पा रही है, मैं भी गाड़ी लेके नहीं आया। तो जा रहे हैं हम एसटी बस से जाएंगे, एक और फ्रेंड है वो आने वाली है, उसके बाद सब लोग साथ में जाएंगे एसटी बस से, और फिर आपको डायरेक्ट मिलते हैं कोल्हापुर में। सो गाइस, अभी हम कॉलेज के पास में हैं, इधर कॉलेज दिख रहा होगा आपको, और हम बस के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स इनको फोर व्हीलर वालों से लिफ्ट चाहिए। मैं बोल रहा हूँ नहीं देंगे, यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल बहुत आए हैं। देखते हैं कोई लिफ्ट देता है, मुझे तो नहीं लगता देगा, ऐसे में जाना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं, लग ट्राई करते हैं। मैं साइड में मांगो लिफ्ट। तो गाइस, बस तो आ रही है, लेकिन ये नहीं रुकने वाली है। तो गाइस, अभी लिफ्ट तो कोई नहीं दे रहा है, और बस भी निकल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा भरी हुई है बसेस। और हमारे फ्रेंड्स हैं, इनको टेम्पो में बैठ के जाना है, इसमें भी बैठ के जाना है इनको, लेकिन वो वाली वो रुकने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको लग रहा है प्रैंक कर रहे हैं हम, बस ही मिलेगी मुझे लग रहा है, नहीं टेम्पो मिलेगी। संचा को टेम्पो में जाना है, इन लोगों का टेम्पो बस ट्रक किसी चीज से भी जाना है, ये टैंकर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, लिफ्ट मांग रहे हैं इससे। तो गाइस, एक बस नहीं, अभी तीन चार बसेस निकल गई, और ये बस रुकने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं एसटी स्टैंड कोल्हापुर। तो गाइस, हमारा कुछ प्लान नहीं था जैसे आपको पता है, और हमारे साथ एक और फैमिली भी मिल गई, तो अभी हम सब उनके साथ जा रहे हैं। और गाइस, आज एक प्रॉपर ट्रिप हो गया है, तो हम पहले कात्यायनी जाने वाले हैं, उसके बाद से महालक्ष्मी जाने वाले हैं, और आज दोनों जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। मेरा फ्रेंड भी आ रहा है ईशान, तो वो और हम चार लोग और वो फैमिली, अब हम सब लोग साथ में जा रहे हैं, और आपको डायरेक्ट अब कात्यायनी देवी वहाँ पर मिले। तो अभी हम बस से उतर गए, कड़म्बा बस था, और अभी ईशान आ गया हमारे साथ, और देखो बस भी कहाँ पर उतर रही है, यहाँ पे एक छोटा सा होटल टाइप में है, छोटे होटल में आके खाना खाने वाले मस्त। अभी अभी हमें भूख लगी है, तो अभी हम कड़म्बा में और कात्यायनी जाने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे, और उसके बाद से कात्यायनी के लिए निकलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ खाते हैं, और फिर निकलते हैं कात्यायनी के लिए। तो गाइस, हम थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है, और एक और चीज, आप कहीं पे चले जाओ, लड़कियों का मेकअप खत्म नहीं हो। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं कात्यायनी मंदिर, जो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, सब लोग अंदर जा चुके हैं, प्रसाद ले रहे हैं, और ईशान अभी फोन पे बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, उसको जल्दी बुला रहे हैं घर पे। तो अभी हम भी अंदर जाते हैं, पहले यहाँ पे शूज निकाल लेते हैं। गाइस, हम मंदिर पे आए, लेकिन मैंने उससे पहले परमिशन ले लिया, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि शूटिंग का परमिशन नहीं है, तो हम शूट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है, नवरात्रि चल रहा है, तो यहाँ पे भीड़ भी उतनी ज्यादा है, अभी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं मंदिर, अंदर जाके दर्शन करते हैं। तो गाइस, छोटा सा गुफा जैसे द्वार है, इतना ही यहाँ से झुक के आना पड़ता है। अभी हम बाहर आ गए दर्शन करके, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, दर्शन तो ले लिया, इसके बाद और कहाँ जाना है? अम्बा बाई देवी महालक्ष्मी अम्बा बाई कोल्हापुर करवी निवासी। ओके, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं,
और देखते हैं हमें वहाँ पे दर्शन होगा कि नहीं, क्योंकि अभी टाइम तो है बहुत कम हो, कम बचे अपने पास, क्योंकि थोड़ा और। तो गाइज ये पालकी है जो जिसमें माता बैठी है यहाँ पे। गाइज हम मंदिर पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा डिवोशनल क्लाइमेट है यहाँ पे, मतलब सब लोग भक्ति करने के लिए आए हैं पूरे दिल से। और आपको चारों तरफ सब लोग ग्रीन कपड़े में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और आज का जो थीम है वो ग्रीन है, तो सब लोग ग्रीन में दिख रहे हैं। तो गाइज देख सकते हैं आप इधर का क्लाइमेट कितना अच्छा है, पूरा ग्रीनरी है और बहुत शांत है, और यहाँ से पानी भी बहुत अच्छे से जा रहा है, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है इधर। तो आपको दिख रहा है ये, तो ये परशुराम तीर्थ है, चलिए लेकिन आपको अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप भगवान की मूर्ति है, और यहाँ पे सब लोग सब लोग ऑयल लेके आते हैं और यहाँ पे अर्पण करते हैं। और यहाँ पे एक कुंड जैसा है, अब पता नहीं ये कितना गहरा है, क्योंकि यहाँ पे जो अब ये दिख रहा है ये ऊपर का रिफ्लेक्शन है, लेकिन नीचे शायद बहुत ज्यादा गहरा हो सकता है। कैसे पानी है ये? अच्छा अच्छा, कौन सा कुंड? इन्नी। तो गाइस ये था परशुराम तीर्थ, अभी जाते हैं उधर पीछे क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स गए हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है और वहाँ पे भी एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप परशुराम जी की जो मूर्ति है। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफी चारों तरफ शांति है और जंगल भी है इधर, और ना किसी फैक्ट्री का, ना किसी बस का, ना किसी गाड़ी का आवाज, एकदम शांति है और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। तो अभी चलते हैं हमारे फ्रेंड्स के पास, और ये लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे है लोग, ये फिर से चक्कर आके गिर गई, बीपी लो ला रही था। मैं नहीं से चक्कर आ गया। तो गाइस इनको चक्कर आ गया, ये रेणुका मंदिर अंदर जा सकता है, अंदर भी लोग कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे शूटिंग की परमिशन है। तो गाइस कहीं भी ऐसे मंदिर के इलाके में जाओ तो पहले पूछ लेना चाहिए शूटिंग की परमिशन है कि नहीं, क्योंकि भगवान को ऐसे पब्लिकली पोस्ट करेंगे कहीं पे उनका वीडियो लेके, तो लोग अलाउ नहीं करते, इसलिए शूटिंग की परमिशन यहाँ नहीं है या नहीं, ये पूछ के शूट कर रहा हूँ मैं। अंदर रेणुका मंदिर अंदर जाते हैं, आपको दर्शन कराते हैं देवी का। आपकी सास है वो? हाँ। असली वाली है? असली वाली है। अच्छा अच्छा। तो गाइस अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं, तो ये पूरी फैमिली हमें बस में मिल गई, तो हम लोग साथ में आ रहे तब से। तो ये जो आंटी है वो इनकी आंटी है, और ये जो है कोहिनूर है ना, कोहिनूर, तो कोहिनूर इनके भाई है, आपके भाई है ना? हाँ इनके भाई है। और ये जो दादी माँ है ये इनकी सास है, तो ये सब पूरी फैमिली मंदिर में ही मिल गई है। अभी आपको कैसा लग रहा है अपनी सास के साथ? अच्छा, तो आंटी बहुत खुश है अपने सासू मां से मिलकर। आप कितने दिन बाद मिल गए इनसे? पाँच छह साल हो गए। आप कोल्हापुर में रहते हैं ना? नहीं, मेरे से रहते हैं। तो ज्यादा तो डिस्टेंस नहीं है मेरे से यहाँ तक, फिर भी पाँच छह साल बाद मिल रहे हैं और मंदिर में मिल गए। आप हमेशा इधर रहते हैं क्या? हमेशा इधर रहते हैं? तो आंटी का गाँव जो है वो यही है, फिर से आएंगे, आप लोग भी आइए, क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब यार बहुत पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। सो गाइस हमने दर्शन कर लिया और हमारे साथ आप लोगों ने वीडियो के थ्रू दर्शन कर लिया कात्यायनी देवी का। अभी हम जा रहे हैं महालक्ष्मी टेम्पल, और ये ट्रिप है संचल स्पॉन्सर कर रही है। तो अभी थोड़ी देर में हम निकलते हैं महालक्ष्मी टेम्पल के लिए। थैंक यू सो मच। तो गाइस आज के लिए बस व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज महालक्ष्मी हम नहीं जा पाएंगे, मौसम भी खराब है, सुबह महालक्ष्मी का दर्शन करेंगे। हाँ, तो कल जाएंगे और कल ये सब फिर से रहेंगे हमारे साथ, और हम कल महालक्ष्मी का दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।